उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस को अब तक अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश है। बेटा असद का एनकाउंटर हो चुका है, पति अतीक और अशरफ का मर्डर हो चुका है, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिल रहा, उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा। उम्मीद लगाई जा रही है कि बेटे को आखिरी वक्त में वो देखने आएगी, इस तरह की उम्मीद की जा रही थी। पति को आखिरी बार देखेगी, लेकिन शातिर शाइस्ता सामने अब तक नहीं आई है। वो प्लान कर रही है सरेंडर की पूरी तैयारी के साथ। उसका क्या है प्लान, इस रिपोर्ट में जानिए। अतीक अहमद गैंग की सबसे बड़ी राजदा शाइस्ता परवीन की फरारी यूपी पुलिस के सामने दुश्वारी बनी हुई है। बीते 57 दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद न तो उसका कोई सुराग मिल रहा है, न ही उसका कुछ पता चल रहा है। हालांकि इस बीच शाइस्ता परवीन की नई तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। नए वीडियो में शाइस्ता परवीन बिना बुर्के के किसी शादी समारोह में दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उमेश पाल की हत्या से कुछ ही पहले का है। उधर यूपी पुलिस की कवायद के बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के सरेंडर की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि शाइस्ता परवीन कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है और सही मौके का इंतजार कर रही है। हालांकि उमेश पाल केस में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के वकील रहे विजय मिश्रा ऐसे दावों को अफवाह बता रही हैं। शाइस्ता के सरेंडर की कोशिशों की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सरेंडर करने की एक प्रक्रिया होती है विधिक तरीके से। सीजीएम न्यायालय में सरेंडर एप्लीकेशन पड़ती है, सरेंडर एप्लीकेशन पे कोर्ट पोर्टल फाइल करके जो है थाने से आख्या मंगाता है कि ये वांछित है कि नहीं है, और उसके बाद ही जो है उसमें सरेंडर पे प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया हमारी तरफ से, तो कोई भी सरेंडर एप्लीकेशन न्यायालय में दाखिल नहीं है जिसपे कोई रिपोर्ट सीजीएम साहब ने मंगाया। तो ये अफवाहें उड़ रही है, ये अफवाह है, सरेंडर की कोई भी ऐसी जो है बात आई नहीं है। उधर चर्चा इस बात की भी है कि शाइस्ता अपनी सुरक्षा को देखते हुए वकीलों की नई टीम के संपर्क में है और इसी टीम के साथ सरेंडर पर विचार कर रही है, लेकिन वकील मिश्रा ऐसी भी किसी जानकारी से इनकार कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट सीजीएम कोर्ट ये चुकी थाना धूमनगंज से 302 का मामला, तो 302 के सारे मामले सीजीएम कोर्ट में ही चलते हैं जनपद के। तो अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन न ही मेरी तरफ से पड़ी है, न किसी और अधिवक्ता की तरफ से पड़ी, जैसे कहा जा रहा है कि अन्य अधिवक्ता भी इसमें डाल सकते हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है। चूंकि कोर्ट एक है और ऑफिस भी एक है, तो न ही ऑफिस में से कोई एप्लीकेशन मिली है, न ही कोर्ट में मिली है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ही गैंग की लीडर है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। अतीक की बहन आयशा नूरी पहले ही कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दे चुकी है। ऐसे में शाइस्ता की सरेंडर की कोशिशों की खबरों को बल मिल रहा है। उधर शाइस्ता परवीन के साथ अतीक अहमद के भाई यानी अशरफ की बीवी जैनब फातिमा भी पुलिस के रडार पर है। अशरफ के जुर्म का हिसाब किताब जैनब फातिमा के पास है। जैनब उमेश पाल हत्याकांड की राजदार है और अतीक के गैंग का एक्टिव मेंबर भी। माना जा रहा है कि ये फरार आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह कोर्ट में सरेंडर किया जा सके, पुलिस की पकड़ से बचा जा सके। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।